नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर पालिका संशोधन अधिनियम के बारे में। बिहार में आने वाले कुछ महीनों में महापौर और उप महापौर को लेकर चुनाव होना है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में अब हर शहर का प्रमुख वहाँ की जनता चुनेगी। बता दें कि अब सरकार का उप प्रमुख वहाँ के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से निर्धारित होंगे। प्रदेश में वर्तमान में 19 नगर निकाय और महापौर उप महापौर, इसके बाद निवासी पार्षदों और 115 नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए एक प्रणाली को लागू किया गया है। बता दें कि इसको लेकर बिहार राज्य सरकार के बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की अधिसूचना कर नगर निकायों में महापौर उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की गई है। अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर उप महापौर या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुरानी पद्धति समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में जो पद्धति है उसमें वार्ड सदस्यों के बहुमत से ही उन्हें हटाए जाने का प्रावधान है। वार्ड पार्षद, महापौर उप महापौर या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बहुमत के आधार पर पद से हटा भी नहीं सकते। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक के रूप में पेश करेगी, जो पारित होने के बाद बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 माना जाएगा। नगर पालिका कानून में जो संशोधन किया गया है उसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है। इन दोनों धाराओं में महापौर उप महापौर या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद नाम से सूचित किया जाता है। बता दें कि धारा 23 में तीन उपधाराओं के माध्यम से मुख्य पार्षद के आम निर्वाचन और वैकल्पिक परिस्थितियों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ धारा 25 में तीन उपधाराओं में संशोधन के माध्यम से दोनों पदों से बर्खास्तगी या फिर पद त्याग की व्यवस्था कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव अप्रैल से जून के बीच में प्रस्तावित हैं। इसके लिए फरवरी से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बदली हुई प्रणाली के तहत निर्वाचन नियमावली में बदलाव लाना होगा। बता दें कि इस बार पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहार शरीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया और सिवान नगर निकायों में शामिल हुए हैं। बाकी शहरों में नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के रूप में वह काम कर रहे हैं। इधर उप मुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। अब जनता सीधे नगर सरकार को चुन पाएगी। विकास योजनाओं के चयन के साथ साथ नगर सरकारों में भी अंदरूनी खींचतान वाली सियासत होती रही है, अब जो है उस पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।